हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो सुबह का टाइम है दोस्तों, सुबह 10 बज रहा है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा खेत में दोस्तों। हमारे पति खेत में गए हैं तो उनको प्यास लगी है, और किसी से संदेशा भेजवा है कि थोड़ा पानी लेकर आओ। तो खेत में इसलिए गए हैं दोस्तों ना, कल हम लोग दवाई मारे थे खेत में, तो बोले कि घर पे बैठ के हम क्या करेंगे, और जा रही हूँ खेत में, जा रहा हूँ खेत में दोस्तों। तो वो जो मेड़ नहीं रहता है धान के बाजू में खेत में, मेड़ उसी मेड़ का जो घास रहता है दोस्तों साइड साइड का, वही हंसिए से काट काट के निकाल रहे हैं। तो इसके वजह से दोस्तों ना, तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, और फिर हम पानी वानी लेके चलते हैं, प्यास लगी है उनको बहुत ज़ोर से। यहाँ पे देख लीजिए हमारी दीदी बैठी हैं, और ये भी हमारे साथ में जाएंगी, देख लीजिए बैठे यहाँ के बेचारी, तो हमारे साथ जाएंगे दोस्तों। और देख लीजिए यहाँ बाटली में पानी है, और हम पानी लेके जा रहे हैं, और उनके लिए दोस्तों देख लीजिए हम पान लेके जा रहे हैं, क्योंकि पान खाते हैं वो। और दोस्तों हमारे पास घर में भेली वेली नहीं था, तो इसकी वजह से हम टाफी लेके जा रहे हैं उनके लिए, और यही टाफी खा के पानी पियेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए, हम लोग अब चलते हैं। देख लीजिए बहुत ज़्यादा धूप है, आज पानी 3-4 दिन से नहीं बस रहा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। ठीक है तो दोस्तों देख लीजिए, हम गांव से बाहर आ चुके हैं, वहाँ पे हमारी दीदी पीछे हैं, और हम रोड पे आ चुके हैं स्कूल के पास। देख लीजिए ये स्कूल है हमारे गांव का बच्चे लोग का दोस्तों। तो हमारे गांव में बच्चे लोग का बहुत अच्छा सुविधा है दोस्तों ना, क्योंकि बच्चे लोग गांव का इधर ही पढ़ते हैं। और देख लीजिए हम रोड पर आ चुके हैं, अब हम चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली देख लीजिए हम यहाँ बगीचे में पहुँच गए हैं, और खेत में से आके यहाँ पर बैठे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, और वहाँ पे दीदी हमारी बैठी हैं। देख लीजिए ये बाबा भी यहाँ पे देख लीजिए सोए हैं, इनको भी धूप लग गई थी खेत में। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। नीचे बैठा है, खाना वाना खान के आज के घिमलाना है। हाँ देखो बाबा बोल रहे हैं दोस्तों, कितना हाँ, अच्छा। ये देखो हाथ हाथ ब्याज मार दिया। हाँ और कमजोर है, ये घिमलाइल पड़ा है। तो दोस्तों बाबा बोल रहे हैं कि हमको बियार मार दिया था हमारे हाथ में, देख लीजिए इनका हाथ में बियार मार दिया है दोस्तों। हाँ, तो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे, बहुत दबा कर आए, नहीं ठीक हो रहा दोस्तों। तो प्लीज आप बाबा के लिए सपोर्ट करना जरूर। और वहाँ पे देख लीजिए हमारे पति बैठे हैं, नमस्ते दोस्तों, और वहाँ पे हमारी दीदी बैठी है देख लीजिए। और दोस्तों बहुत ज्यादा धूप है, तो सब लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, और अभी तो हम भी यहाँ पे आके बैठे हैं, थोड़ा ठंड है पेड़ के नीचे। तो हमारे पति खेत में वहाँ जो मेड़ रहता है, मेड़ के साइड में जो घास उस रहता है दोस्तों ना, तो ही हंसी हंसी से काट रहे थे। तो दोस्तों आप लोग से मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं, आप लोग को सुनाने चाहते हैं एक गाना, बोले कि हम एक गाना गाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इनका गाना अगर सुने तो हमें प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना बाबा का गाना कैसा लगा। आप गाइए, गाओ। अरे हरे भूसवा बिकाय बालम झुलनी ले आईला, भूसवा बिकाय बालम झुलनी ले आईला, हे कहीं झुलनी बिकाय गए बालम, हरे बैला है रही गई, हरे भे बालम बैला है रही गए, तो का करब बैला, हरे हरे बैला बेची भूसवा, बड़े बैला बेची बालम कंगन गढ़ाई लेबा, हे बालम कंगन गढ़ाई लेबा, हरे झुलनी बिकाय बालम तब ले अला, झुलनी ले अला, हरे हरे भूसवा बिकाय बालम, हरे कंगन गढ़ाई देबा। देख लीजिए हमारे बाबा जो गाना गाए थे, अगर आप लोग को ये गाना अगर दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना दोस्तों बाबा के लिए। बाबा बहुत अच्छा अच्छा गाना गाते हैं दोस्तों। तो हम आए थे बगैसे में अपना यहाँ पति के पास पानी उन्हें लेके, तो यहाँ पे बाबा बैठे थे, तो बोले कि हम आपके वीडियो में थोड़ा गाना वाना गाना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना इस बाबा के लिए। दोस्तों देख लीजिए फाइनली हम लोग उस बगीचे में से आ गए और जा रहे हैं घर दोस्तों। देख बहुत ज़्यादा धूप है, तो दोस्तों देख लीजिए वहाँ पे दीदी जा रही है आगे, और यहाँ पे हमारे पति है, बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, क्या बताओ। अब चलते हैं घर, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद आराम आराम करेंगे दोस्तों ने। हाँ हाँ, तो खेतम कितना कटला कितना निरहिला, एक गोबर ही निकरा है घास, वही लेके ना रोड बहाए हैं पगलो। दोस्तों हम खेत में नहीं गए थे, सिर्फ बगीचे में गए थे, और खेत में नहीं गए, शाम को हो सकता है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा धूप है ना इसको वजह से। तो हम गाँव में आ चुके हैं, हमारे गाँव का दुकान है देख लीजिए, छोटा सा बच्चे लोग का सामान वाने पे बिकता है।
थोड़ा मोटा आते तो खा लेते, देता पैसा जा ले लो। तो दोस्तों नहीं पैसा है, बोल रहे कि घर पे है, अभी हम चलते हैं। थोड़ा यहाँ पे पेड़ था ना दोस्तों, तो इसको जैसे यहाँ पे थोड़ा आराम करने आते आते बहुत ज्यादा धूप लग गई हमको। पेड़ है, थक रहा है। चलो तो दोस्तों चलते हैं, खाना ना खाते। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमारे पति बैठे हैं, उनको बेना होक रहे हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, आप लोग से क्या बताऊँ, भगवान कसम कहती हूँ, इतना ज्यादा धूप है कि एकदम पूरा हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए हम बेना वना चला रहे हैं इनको, और अभी कुछ देर के बाद जाएंगे हाथ पैर धोएंगे। हाथ भी नहीं धोए, पैर भी नहीं धोए दोस्तों, ऐसे आके बैठ गए, और क्या बताऊँ आप लोग से। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, हाथ गोड़ धोएंगे तो इसके बाद खाना वाना खाएंगे आराम से। तो हेलो दोस्तों, हम देख लीजिए यहाँ पे खाना परोसने आए हैं, और खाना परोस लिए हैं, लीजिए दाल चावल और सब्जी। तो दोस्तों मैं सोची कि हाथ मुँह धो लूँ, तो मैं सोची कि नहा लूँ थोड़ा, क्योंकि धूप में से आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। तो हाथ मुँह धोने गई तो उसके बाद नहा ली दोस्तों। तो देख लीजिए क्या पहन ली हूँ, मैक्सी उक्सी, और हमारे पति भी नहा लिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो चलते हैं खाना वाना खाते हैं दोस्तों, अपने पति को पहले दे देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए जा रहे हैं खाने, और अभी हमारा घर में खाना है, जा रही हूँ लेने, पानी दे देती हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, खाना वाना खाते हैं जल्दी से। अब देख लीजिए नहा के आए हैं, फिर भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वहाँ पे बैठ के बेना डुला रहे हैं और खाना खाने जा रहे हैं। आओ दोस्तों खाना खा लो। तो चलते हम भी खा लेते हैं जल्दी से। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। वहाँ पे देख लीजिए हमारे दोनों बाबू स्कूल से आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमारे छोटे बाबू देख लीजिए एकदम मुंह एकदम काला हो गया। दिखा दो बेटा मुंह, दिखा दो दोस्तों, देख लीजिए कितना काला हो गया हमारा बेटा, धूप में आया पूरा पसीना पसीना से, कपड़ा अपड़ा पूरा भीग गया है दोस्तों हमारे बच्चे लोग का, और इतना वजन बस्ता भी रहता है दोस्तों, देख लीजिए बहुत वजन है। इतना बड़ा बैग लेके हमारा छोटा बाबू जाता है, और कपड़ा बगीचे में, तो हमारे पति जा रहे हैं बगीचे में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, रहाइश नहीं है दोस्तों, क्या बताऊँ आप लोग से। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग इतना ही रहेगा, मिलते कोई दूसरे व्लॉग में, तब तक दोस्तों बाय।